दोस्तों अभी हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के अगले मैच की, यानी कि पाकिस्तान और नमीबिया के बीच जो अगला मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों इस वाले मैच में भी क्या रहेगी हमारी एक प्राइम टीम, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे बैट बॉल पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 49 के लिए 25 में मिल रही है, यानी कि 50% का डिस्काउंट। तो फ़ायदा उठाइए दोस्तों, फटाफट से इस वाली ग्रैंड लीग में अपनी टीम्स लगाइए क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी फुल हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आप 10 की 10 टीमें इस वाली ग्रैंड लीग में लगा लीजिए। बाकी दोस्तों आगे बात करेंगे फाइनल टीम इस वाले मैच की आपको कहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले टेलीग्राम ओपन करिए, एक सेकंड दोस्तों, टेलीग्राम ये रहा, सर्च कीजिए यहाँ पे @UDCRA। अब दोस्तों इतना सर्च करने के बाद ये जो टॉप पे जो चैनल शो हो रहा है जिसके सब्सक्राइबर दोस्तों 99,000 के आसपास हैं, केवल यही वाला चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ये बाकी फेक चैनल है, इन्हें ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे सबसे पहले ओपन कीजिए और दोस्तों यहाँ पे जो अनम्यूट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं सेकंड मेथड की बात करूँ टेलीग्राम ज्वाइन करने का, तो सबसे पहले आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है उसे ओपन करिए और दोस्तों यहाँ पर सर्च कीजिए telegram.me/UDCRA। दोस्तों इतना सर्च करने के बाद गो पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कर दीजिए और अब डायरेक्टली ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल देख लीजिए दोस्तों 99,000 के आसपास, 99.1, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बाकी यही वाला चैनल ज्वाइन करना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान और नमीबिया के बीच जो मैच होगा वो कौन से वेन्यू पे होगा। तो दोस्तों अबू धाबी का पिच होगा, यानी कि बॉलिंग विकेट। और बाकी यहाँ पे दोनों टीम्स की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों वो क्या रहने वाली है, यहाँ से अगर दोस्तों आप देखेंगे पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ हैं दोस्तों, इसके बाद शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हरीश रौफ, ये दोस्तों पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 रहेगी। बाकी आगे दोस्तों नमीबिया की अगर बात करें तो स्टीफन बार्ड, इसके बाद जेन ग्रीन, क्रेग विलियम्स, गेरहार्ड रहेंगे दोस्तों, डेविड वीज, जे स्मिथ, माइकल वैन लिंगन दोस्तों, जेन फ्रीलिंग रहेंगे, जेन निकोल, इसके बाद दोस्तों रूमन और बर्नार्ड स्कॉज रहेंगे दोस्तों, ये रहेगी नमीबिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान और नमीबिया दोनों के रिसेंट मैचेस देखे जाएंगे दोस्तों, वहीं से हमें प्राइम प्लेयर्स मिलेंगे। बाकी वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा दोस्तों और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी स्टैट्स है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। अब दोस्तों यहाँ से अगर पाकिस्तान के पिछले मैचेस को देखें ना तो काफ़ी तगड़ी फॉर्म में है दोस्तों पाकिस्तान की टीम, जो कि इंडिया को हरा के आ रही है, साथ में न्यूजीलैंड को भी हरा के आ रही है दोस्तों। इसके अलावा नमीबिया की बात करें तो पिछले मैचेस दोस्तों हार के आ रही है, अब वो दोस्तों आगे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। अब दोस्तों यहाँ पे तो बैटिंग सेकंड की थी, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हुआ क्या था, रिजवान दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाए थे पिछले मैच में, बाकी बाबर आजम और फ़खर जमान ने एक बढ़िया पारी खेली थी, हफीज़ भी दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाए थे, सेम दोस्तों शोएब मलिक भी 19 रन की सिर्फ पारी खेली थी। अब बाकी आगे बात करें आसिफ अली की, तो इन्होंने कुछ बढ़िया किया था। बाकी दोस्तों अगर इनकी बॉलिंग एक बार देखें, सबसे पहले ओवर्स पे चलेंगे, अब दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे शाहीन अफरीदी जो कि अंतिम ओवर करते आपको नज़र आएंगे, साथ में दोस्तों हरीश रौफ और हसन अली, इसके अलावा दोस्तों ये तीनों बॉलर दोस्तों आपको अंतिम ओवर करते नज़र आएंगे। अगर तो दोस्तों पाकिस्तान की बॉलिंग फर्स्ट आती है तो दोस्तों अफरीदी, हरीश रौफ और दोस्तों हसन अली
आपके लिए इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर इनका एक पिछला मैच और देखा जाए जो कि न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, अब यहाँ पे भी दोस्तों बैटिंग सेकेंड ही की थी। यहाँ पे देखे दोस्तों रिजवान काफ़ी बढ़िया करके गए, बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए। इससे आगे वाले मैच में दोस्तों बढ़िया करके गए थे, फ़कर जमान फिर भी फ्लॉप दोस्तों। बट दोस्तों आज मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वन डाउन पे आएंगे फ़कर जमान और एक बढ़िया पारी खेल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बाकी हफीज़ दोस्तों आगे के दो मैचेस में दोस्तों, ये वाले मैच और इससे आगे वाले मैच में फॉर्म इतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी। बाकी शोएब मलिक दोस्तों नॉट आउट पे थे और काफ़ी बढ़िया इनिंग खेल रहे थे। इसके बाद दोस्तों इमाद वसीम बढ़िया तो नहीं कर पाए दोस्तों, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं और विकेट्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इनके, और साथ में दोस्तों शाहीन अफरीदी के। इसके बाद दोस्तों आसिफ अली दोस्तों, इस वाले मैच में पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहे हैं कि एक सेकंड दोस्तों, यहाँ से मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजवान, बाबर आजम और दोस्तों फ़कर जमान, इससे ज़्यादा किसी की बैटिंग नहीं आने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के पिछले मैच को देखेंगे ना, तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्ले किया है इन्होंने। फिर भी दोस्तों मैं जितने प्राइम प्लेयर्स हो सकते हैं सारे आपको बताने की कोशिश करूंगा, बाकी एक बढ़िया सी प्राइम टीम बनाएंगे। या इस वाले मैच में भी इनके अगर बॉलिंग एक बार चेक करें, डेथ ओवर्स देखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने बॉलिंग फर्स्ट की थी। अब यहाँ से देखिए हरीश रऊफ, शाहीन अफरीदी एंड दोस्तों हसन अली, तो दोस्तों ये तीन बॉलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस वाले मैच में भी। यही स्टैट्स बता रहा है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इंडिया के साथ जो हुआ था, सिर्फ इनकी बॉलिंग देखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हरीश रऊफ, शाहीन अफरीदी और दोस्तों हसन अली, कंफर्म हो गया दोस्तों। बाकी बैटिंग से बात करें इस वाले मैच में नहीं दोस्तों, यहाँ अब दोस्तों बैटिंग सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक कौन कौन से रहेंगे, मैंने काफ़ी कुछ स्टडी किया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों रिजवान रहेंगे आपके लिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि रिजवान, बाबर आजम और फ़कर जमान दोस्तों ये तीनों ही मैच ख़त्म कर सकते हैं। जीते हारे वो अलग सिनेरियो रहेगा दोस्तों, बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। इसके बाद दोस्तों ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट पिक, इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो शोएब मलिक दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक के तौर पर रहेंगे। एंड इसके बाद अगर नीचे बात करेंगे दोस्तों तो आ जाती है बॉलिंग लाइनअप, आसिफ अली भी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, मिनी ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर पाकिस्तान की बैटिंग सेकंड आती है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि किसी की बैटिंग आने वाली है, ठीक है। बाकी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चलेंगे नामीबिया की। नामीबिया का अगर मैच देखें पिछला जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था, और इस वाले मैच में दोस्तों टॉस जीत के अफगानिस्तान ने बैटिंग की थी। अब दोस्तों सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ था, विलियम्स कुछ खास नहीं कर पाए, माइकल दोस्तों कुछ भी खास नहीं, यहाँ भी कुछ खास नहीं, जी नहीं दोस्तों किसी ने कुछ खास नहीं किया। अब यहाँ से डेविड विज तो आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट पिक के तौर पर रहेंगे दोस्तों, बाकी यहाँ पे किसी ने कुछ खास नहीं किया। इनकी बॉलिंग एक बार चेक करें तो रूबेन काफ़ी बढ़िया कर गए दोस्तों, चार ओवर भी अपने पूरे करा रहे हैं। जेन निकोल ये भी दोस्तों अपने चार ओवर पूरे कर रहे हैं और दो विकेट लेके गए। स्मिथ दोस्तों यहाँ से अपने ओवर पूरे करते नजर आएंगे, एक आधा विकेट भी लेके गए। ओवर्स पे चेक करेंगे क्योंकि दोस्तों नामीबिया की टीम ने इस वाले मैच में बॉलिंग फर्स्ट की थी,
अब डेविड विज दोस्तों अंतिम ओवर करते नजर आए, रूबेन दोस्तों, इसके अलावा जे जे स्मिथ, काफ़ी बढ़िया दोस्तों। अब दोस्तों इस वाले मैच में पाकिस्तान और नामीबिया के बीच जो मैच होगा आज रात को 7:30 बजे, आई थिंक 7 या 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि 7 प्लेयर पाकिस्तान से, 4 प्लेयर दोस्तों नामीबिया के, या 5 भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक मैच से तो स्टडी नहीं हो पाएगी, अगला मैच देखेंगे जो जीत के आ रही है। अभी यहाँ पे भी बॉलिंग फर्स्ट की थी, बैटिंग सेकंड की थी। अब बॉलिंग फर्स्ट की थी दोस्तों तो सबसे पहले बॉलिंग चेक करेंगे। क्या बात है दोस्तों, रूबेन एक प्राइम प्लेयर हमें मिल चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों विज, डिफॉल्ट पिक, स्मिथ, ये रहे दोस्तों, ये भी प्राइम प्लेयर में रहेंगे। फ्रीलिंग भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट ओवर कहाँ पे कर रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। अब दोस्तों विज अंतिम ओवर करेंगे, स्मिथ दोस्तों, इसके अलावा और कौन थे, एक सेकेंड, उनका नाम नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पे फ्रीलिंक नहीं किए थे, एक और बंदा था, स्मिथ दोस्तों, विज ने किया अंतिम ओवर। इसके इससे पहले दोस्तों फ्रीलिंक इस वाले मैच में, डेविड दोबारा आ गए, स्मिथ, रूबेन दोस्तों, रूबेन 15वें ओवर में बॉलिंग कराई थी, पावर प्ले में भी बॉलिंग करा रहा है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अगर एक आधा मैच नामीबिया का और देखें तो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ नामीबिया आयरलैंड को हरा के आ रही है, बैटिंग सेकंड की थी दोस्तों, यानी कि नामीबिया ने बॉलिंग फर्स्ट कराई हुई थी। अब यहाँ रूबेन को नहीं मिले, विज ने लिए, स्मिथ ने लिए, फ्रीलिंक ले लिए। अब दोस्तों यहाँ से 4 इम्पॉर्टेंट पिक्स आपके लिए निकल के आते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों रूबेन, विज, स्मिथ और दोस्तों फ्रीलिंक, ये 4 हमें इनमें से ही पिक करने हैं दोस्तों। विज तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक के तौर पे रहेंगे दोस्तों, क्योंकि बैटिंग भी कराएंगे। इसके अलावा रूबेन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, स्मिथ और फ्रीलिंक, इन दोनों में हमें कोई एक लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों बैटिंग से अगर बात करें तो दोस्तों एक जेन ग्रीन दोस्तों मिनी ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान से हमें रिजवान को तो लेना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ से कैप्टन, कप्तान साहब की बात कर दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी डेविड विज तो आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगे, बाकी दोस्तों कप्तान साहब यहाँ से। और दोस्तों ये तो हो गए दोस्तों 2 प्लेयर। दोस्तों तबीयत ख़राब में भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। विलियम्स भी हो सकते हैं दोस्तों, बट स्मिथ को ट्राई कीजिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराएंगे, ठीक है, और अच्छी पारी खेल भी सकते हैं ये। तो यहाँ से दोस्तों नामीबिया की अगर मैं बात करूँ बैटिंग की, तो दोस्तों आपके लिए कप्तान साहब, डेविड विज, स्मिथ, ये दोस्तों 3 मेरी तरफ से रहेंगे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। बाकी दोस्तों आप सबकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जेन ग्रीन को मैंने बताया हुआ है, आप मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टॉप ऑर्डर का मैं प्लेयर क्रेग विलियम्स जो कि हैं, इन्हें मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके विकेट्स जल्दी गिरेंगे टॉप ऑर्डर के, इसलिए दोस्तों मैंने 2 डाउन 3 डाउन के प्लेयर सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों अब चलेंगे फाइनल टीम बनाने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों टीम बनाएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों डिफॉल्ट पिक को
सबसे पहले लेंगे, जो कि दोस्तों जेन ग्रीन को मैंने बताया हुआ है कि आप मिनी ग्राइंडिंग में ट्राई कीजिए, क्योंकि दोस्तों रिजवान यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बाकी बैटिंग से दोस्तों इनके पॉइंट्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं एक बार क्रिकबज ओपन करूँगा। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, बाबर आजम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, नमीबिया के कप्तान साहब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों विलियम्स, मैंने बताया ना दोस्तों, विलियम्स या फिर स्मिथ, दोनों में से कोई एक को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नमीबिया का टॉप ऑर्डर चलेगा तो दोस्तों यहाँ से विलियम्स को ले लीजिएगा, बाकी स्मिथ को। डेविड विज दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अफरीदी, रौफ, हसन अली, इसके बाद दोस्तों इमाद वसीम जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, स्मिथ दोस्तों, विलियम्स या फिर स्मिथ, दोनों में से कोई एक। अब यहां से देखिए दोस्तों, दो प्लेयर अभी भी ले सकते हैं। एक हमें दोस्तों पाकिस्तान का बैट्समैन रखना है जो कि फ़खर जमान हो सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर क्रेडिट की दिक्कत आ रही है दोस्तों, 7 क्रेडिट बचे हुए हैं। अब दोस्तों हमें अपनी टीम बैट बॉल पे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की दिक्कत आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सेम टीम जो मैंने अभी ड्रीम इलेवन पे बनाई हुई थी वही टीम मैंने यहाँ पे बनाई है बैट बॉल पे, क्योंकि यहाँ के इस बैट बॉल पे दोस्तों क्रेडिट की दिक्कत नहीं आ रही है। रूबेन को हम ड्रीम इलेवन पे नहीं ले सकते इस टीम से, इस टीम को अगर हम ड्रीम इलेवन पे बनाएंगे तो रूबेन को हम नहीं ले सकते दोस्तों, बाकी बैट बॉल पे ले सकते हैं। तो मैंने टीम यहाँ बनाई है, यहाँ पे खेले दोस्तों, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा लो है और एंट्री फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर बात करें CVC की, तो वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। नंबर वन पे दोस्तों मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम रहेंगे, इसके बाद दोस्तों डेविड विज, शाहीन आफरीदी दोस्तों ये आपके सेफ पिक में रहेंगे दोस्तों, स्मॉल लीग में भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बना के दिखाऊँ, उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी मैं आपको VC बताता हूँ, VC के लिए दोस्तों शाहीन आफरीदी, एक सेकंड दोस्तों, कैप्टन बन गया, क्लिक ही नहीं हुआ दोस्तों, ये देखिए VC। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहें ना दोस्तों, तो आप बाबर आजम, डेविड विज इनमें से बना सकते हैं, बाकी रिजवान के साथ विज को बना सकते हैं, या डेविड विज के साथ अफरीदी को बना सकते हैं, या फिर दोस्तों बाबर आजम के साथ डेविड विज को बना सकते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं हुईगा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस वाले मैच में, रिजवान, बाबर आजम, डेविड विज, शाहीन अफरीदी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये इंपॉर्टेंट पिक बताए थे। बाकी दोस्तों GL वगैरह की टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपली यहाँ से सर्च करके यहाँ पे दोस्तों टाइप कीजिए @UDCRA, और 99,000 के आसपास जिस चैनल के सब्सक्राइबर है दोस्तों, केवल यही वाला आपको ज्वाइन करना है जो कि टॉप पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये इसी टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको सारी टीम्स मिलेगी, ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की। अनम्यूट की जगह ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।